मुझे 2018 में विवाह पंचमी के दिन जनकपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मां जानकी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। उस आयोजन के साथ नेपाल के अपने बंधु बांधवों के साथ मिलने और भारत और नेपाल के बीच में मां जानकी कैसे सेतु का काम कर रही है इसको नजदीक से देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। वास्तव में अयोध्या और जनकपुर उस कालखंड में रावण के आतंक से आर्यावर्त की दो बड़ी ताकतों को जोड़ने के तो माध्यम बने ही थे, वर्तमान समय में भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने के भी सशक्त माध्यम बन चुके हैं और उसे आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व हमारे पूज्य संतों को लेना होगा। ये सांस्कृतिक संबंध हमारे नई ऊंचाइयों को प्राप्त हो यह हम सबको दिखाना पड़ेगा। कितनी पुरानी परंपरा है हमारी, मैं वही देख रहा था कि जब यहां पर अयोध्या की चर्चा हो रही थी तो अयोध्या तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाएं लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान देने का प्रयास किया था, लेकिन अगर आप अयोध्या की चर्चा करें तो कितनी पुरानी पुरानी स्मृतियों में और संहिताओं में इसका उल्लेख मिलता है। अयोध्या नगरी नित्या सचितानंद स्वरूपणी यस्यासेन वैकुंठो गोलोकादि प्रतिष्ठिता, यानी इसका भी उल्लेख मिलता है। और यहां से जुड़ी हुई जो भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास जी ने जिसका उल्लेख किया है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि वह सरयू पावनी जा मज्जन्ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। कितना अच्छे शब्दों में उन्होंने उल्लेख करते हुए अयोध्या और मां सरयू की महिमा का गान किया है। इतनी प्राचीन परंपरा के हम वारिस हैं, इस विरासत के वाहक हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संकोच करते थे। आज अयोध्या के पास एक गौरव है और वह गौरव इस बात का कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। अब अयोध्या में राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण के साथ आज मैं प्रातः काल से अपने सभी वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अयोध्या के विकास के कार्यों को लेकर के हमारी बड़ी बैठक चली है। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए वर्तमान में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य अयोध्या में हमारा चल रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य। आपने पिछले 5 वर्षों के अंदर बदलती हुई अयोध्या को देखा है। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है। पहले राम जी की पेड़ी में पानी जो आता था वही सड़ता रहता था, आज एक तरफ से पानी आता है दूसरी तरफ से निकल जाता है और एक साथ लाखों लोग राम जी की पेड़ी में कभी भी स्नान कर सकते हैं। दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में जगमगाती भी दिखाई देती है। सूर्य वंश की राजधानी के रूप में अपने गौरव को पुनर्स्थापित करती हुई अयोध्या दिखाई देती है। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में हम सबके सामने है, लेकिन अब जिम्मेदारी हमारी ज्यादा हो चुकी है। अयोध्या के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। हर प्रकार से अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी और प्रदेश सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने को तैयार है। उसको हम किस रूप में लेते हैं इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अयोध्या जो रामायण में रामचरितमानस में हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में अयोध्या की चर्चा जिस रूप में है, अयोध्या का महिमा गान जिस रूप में है, उसी रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको पूरी ईमानदारी के साथ लगना होगा। सरकारें सहयोग कर सकती है, पैसा दे सकती है,
लेकिन वो पैसा समय पे खर्च हो और सब जगह खर्च हो, समान रूप से खर्च हो, उसका दुरुपयोग भी ना हो लेकिन अभाव भी ना हो, यह देखना। दूसरा, जो कार्य हो जाए उसका संरक्षण करना, कोई उसको नुकसान भी ना पहुंचाने पाए, कोई उसको कहीं भी क्षति ना पहुंचाने पाए, कोई उसको किसी भी प्रकार से अपवित्र न करने पाए, यह देखने का कार्य। सरकार अगर कार्य कर रही है तो हमारे स्तर पर भी कुछ प्रयास हो सकते हैं, उस प्रयास में हम कहां योगदान दे सकते हैं, यह भी देखना। एक एक कार्य के साथ अगर हम सब जुड़ जाएंगे तो कोई कारण नहीं कि अयोध्या को हम दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित न कर दें। और यह कार्य अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरा होना है, अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर पूरा होना है। अयोध्या में वायु सेवा की शुरू होने जा रही यात्रा, एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दुनिया के किसी भी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक माध्यम हमारे पास मिलेगा। अयोध्या की चारों ओर की कनेक्टिविटी हम जो दे रहे हैं वह 4 लेन और 8 लेन की सड़कों से दे रहे हैं। अयोध्या के अंदर की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को करेंगे, एक एक व्यक्ति का पुनर्वास भी करेंगे, मठ मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को ध्यान में उसको आगे बढ़ाएंगे, कुंडों का पुनरुद्धार करेंगे। कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ कार्य होने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। और हम सब हाथ पे हाथ धरे रहकर के बैठ नहीं सकते, अयोध्या के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी तो है, और उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, अयोध्या का अपना महात्म है, और अगर आप पूरी रामायण को देखेंगे, भारत का एक ऐसा पवित्र धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के कल्याण का नहीं बल्कि जीव मात्र के कल्याण का, इस सृष्टि के चराचर जगत के कल्याण का मार्ग निहित होता है। कैसे वहां पर एक एक दृश्य को अपने अद्भुत शैली से महर्षि वाल्मीकि ने और गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस रूप में कितने अच्छे शब्दों के माध्यम से हम सबको प्रस्तुत किया है। और केवल मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं है, इस संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण का मार्ग भी हमारे पवित्र ग्रंथ हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। और उस दृश्य हम सबको रामायण मेले के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पर बहुत शीघ्र अयोध्या शोध संस्थान के पुनरुद्धार का कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर चाहेंगे कि रामायण पर और नए शोध हों, एक नई दृष्टि रामायण के माध्यम से वर्तमान प्रवेश में प्राप्त हो। अयोध्या के विकास के साथ पंचकोशी परिक्रमा, 14 कोशी परिक्रमा, 84 कोशी परिक्रमा के साथ रामायण कालीन उसी वनस्पति को हम लगाने की कार्रवाई के साथ जोड़ें कि कोई भी व्यक्ति पंचकोशी की परिक्रमा करे तो उसे भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के दिनों के उन संघर्षों की याद उसे ताजा हो जाए। किन किन वनस्पतियों का उल्लेख रामायण में है, रामचरितमानस में है, वो सभी वहां पंचकोशी और 14 कोशी और 84 कोशी में से दिखाई दे। सामान्य श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। जो मैंने आपको बताया 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर वर्तमान में अयोध्या में काम चल रहा है, अयोध्या से जोड़ने वाले कार्यों को बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट, सड़क की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, और कुछ समय के बाद तो हम लोग ये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि अयोध्या को हम जल मार्ग से भी जोड़ने जा रहे हैं। पवित्र सरयू नदी में जल यातायात की सुविधा हो और अयोध्या को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी विकसित किया जाए। ये था पहले अयोध्या में। भाइयों बहनों, आपको याद होगा आज से 3 साल पहले हम लोगों ने कोरिया की प्रथम नागरिक